हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 की हिंदी के पार्ट 4 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों, अपना हिंदुस्तान कहाँ है। इस पार्ट के हम प्रश्न उत्तरों को आज हम विस्तार से हल करेंगे। इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें जो का नंबर का प्रश्न है बच्चों, वो है हम सब मद में झूम रहे हैं। इसमें कुछ नीचे ऑप्शन दिए हैं बच्चों, जैसे पहला ऑप्शन है सत्याग्रह के, दूसरा है आंदोलन के, तीसरा है भूमंडलीकरण के और चौथा है व्यवसायीकरण के। तो इसमें बच्चों जो ऑप्शन विकल्प क्रमांक 3 है भूमंडलीकरण के, वही आपका उत्तर हो जाएगा। इसका जो ख नंबर का प्रश्न है बच्चों, वो है धन के कोष भरे होने पर भी नहीं है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है लालच, दूसरा है संतोष, तीसरा है दया और चौथा है श्रृंगार। तो इसमें हम दूसरे नंबर का जो हमारा ऑप्शन है संतोष, वही आ जाएगा, क्योंकि धन के कोष भरे होने पर भी व्यक्तियों में संतोष नहीं है। अब चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, जैसे का नंबर का जो रिक्त स्थान है बच्चों, वो है जनसेवा का रिक्त स्थान कहाँ है। तो रिक्त स्थान में हम भरेंगे बच्चों भाव, जनसेवा का भाव कहाँ है। खा नंबर का है साक्षरता का रिक्त स्थान है चिंतन का विस्तार नहीं है। तो रिक्त स्थान में हम भरेंगे आंदोलन, साक्षरता का आंदोलन है चिंतन का विस्तार नहीं है। ग नंबर का जो रिक्त स्थान है बच्चों, वो है टीवी टेलीफोन बज रहे पर आपस में रिक्त स्थान बंद है। तो रिक्त स्थान की जगह पे हम भरेंगे बच्चों बात बंद है। टीवी टेलीफोन हर जगह बज रहे हैं लेकिन बात किसी में नहीं हो रही, ठीक है, तो बात बंद है। घ नंबर का जो रिक्त स्थान है वो है आओ खोजे सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। तो रिक्त स्थान में आ जाएगा हिंदुस्तान। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को देख लेते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हैं बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। जैसे का नंबर का जो प्रश्न है वो है हम सारी दुनिया किन साधनों से घूम रहे हैं। तो हमें पता है बच्चों हम सारी की सारी दुनिया कैसे घूम रहे हैं, टीवी और मोबाइल से, ठीक है। अगर हमें कहीं भी कोई भी चीज़ देखना होती है तो हम टीवी के जरिए या फिर मोबाइल के जरिए उस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हम सारी दुनिया टीवी और मोबाइल से घूम रहे हैं। अब देख लेते हैं खा नंबर का प्रश्न, ये है साक्षरता से आशय क्या है। तो साक्षरता का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को एक स्तर तक पढ़ना और लिखना आना चाहिए। तो बच्चों साक्षरता से आशय का मतलब है कि हर एक व्यक्ति का सामान्य स्तर तक पढ़ना और लिखना आना साक्षरता का आशय है। तो इस प्रकार से आपका ख नंबर का प्रश्न का उत्तर भी होता है। अब देख लेते हैं बच्चों ग नंबर का प्रश्न, ये है भूमंडलीकरण का परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो हमें पता है बच्चों भूमंडलीकरण से क्या हो गया है, परिवार टूट गए, उनमें परिवार के लोगों में आपस में बातचीत भी बंद हो गई है और वो बिखर गए हैं। तो इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देखकर इसके उत्तर को लिख सकते हैं। बच्चों जो घ नंबर का प्रश्न है वो है मन को जो आंदोलित कर दे, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है बच्चों कि आजकल की जो कविताएं हैं उनमें वो धार नहीं बची, ठीक है, जो इंसानों के मन को आंदोलित कर दे। जैसे पहले की कविताएं थीं वो सभी के मन को आंदोलित कर देती थी, लेकिन अब की जो कविताएं हैं उन वो मन को आंदोलित करने वाली नहीं है। तो कविता ऐसी होना चाहिए जो मन को आंदोलित कर दे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्क्रीन पर देख कर लिख सकते हैं बच्चों। जो अड़ा नंबर का प्रश्न है बच्चों, वो है धन से कोष भरे हैं लेकिन फिर भी संतोष कहाँ है का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हमें पता है कि अभी के समय पर हर एक व्यक्ति पर धन की कोई कमी नहीं है, उसके पास कोष भरे हुए हैं, यानी कि भंडार भरे हुए हैं धन के, बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं है, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है। फिर भी वो उस क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है बच्चों, वो ना तो चैन से खा पा रहा है, ना पी पा रहा है, ना ही अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर पा रहा है, इसलिए उसे संतोष नहीं है। फिर भी तो
धन से कुछ भरे होने कर पर भी व्यक्तियों को संतोष नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप स्क्रीन पर से देखकर लिख सकते हैं। जो 4 नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है, बच्चों अब हम 4 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न है, अपना हिंदुस्तान कहाँ है, कभी का संकेत किस ओर है। तो अपना हिंदुस्तान कहाँ है, इस लाइन से बच्चों कवि का संकेत है कि वो ये चाहता है कि जो हमारा पुराना वाला हिंदुस्तान था, जब सभी व्यक्तियों में आपस में प्रेम की भावना थी, सभी संस्कारी लोग थे, ठीक है, उस समय जनसेवा की भावना थी, देश प्रेम था, ये सारे गुण थे, तो वो वाला हिंदुस्तान कहाँ है। 6 नंबर का प्रश्न है बच्चों, कविता में उल्लेखित कवियों के नाम लिखिए। तो कविता में कौन कौन से कवि आए हैं बच्चों, पहले आए हैं तुलसीदास जी, सूरदास जी, निराला जी, दिनकर जी, ओ रहीम और रसखान, ये सारे कवि कवियों के नाम इस कविता में आए हैं। तो आप इस प्रश्न का भी उत्तर आप स्क्रीन पर से देखकर लिख लीजिएगा।